हाय मैं मिथिलेश चौधरी, मेरे दोस्त, कभी भी ये तीन चीज देर से ना करें। इंसान को ये तीन चीजों में देरी नहीं करना चाहिए। अगर तीन चीजों को आप केयरलेस कर देते हो, डिले करते हो, तो आपके लिए टेंशन का विषय बन सकता है। तो आज हम बताएंगे वो कौन सी तीन चीजें हैं जिसमें आपको थोड़ा भी डिले नहीं करना चाहिए, सोच समझ के प्लानिंग करके उसको डन कर देना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, जैसे आप मुस्लिम भाइयों के लिए नमाज का टाइम, जो पांच बार नमाज पढ़ते हैं, तो आधे घंटे पहले प्लान कर डालो। अगर नमाज के टाइम में आप प्लान करोगे तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते हो। और क्रिश्चियन भाइयों के लिए संडे का उनका हर चर्च में जाना होता है। अगर पहले से प्लानिंग नहीं करोगे, सडनली प्लानिंग करोगे, तो टाइम पे चर्च नहीं जा पाओगे। सिख भाइयों के लिए गुरुद्वारा बना हुआ है, तो उसमें भी आपको देर नहीं करना चाहिए, टाइम से जाना चाहिए। हिंदुओं के लिए पूजा पाठ जो है समय पर करना चाहिए, समय पर करना चाहिए। अगर थोड़ा भी गलत समय पर किया गया काम, लेट से किया गया काम, आपके लिए नुकसान हो सकते दे सकता है, तो समय पर करें। आपको एक रामायण की बात बताता हूँ। जब सीता जी का और श्री रामचंद्र का जब शादी का जो मुहूर्त निकला हुआ था, एक टाइम पर निकला हुआ था, एक पंक्चुअल टाइम दिया गया था कि ये टाइम पर शादी हो जाना चाहिए। एक दूसरे के गले में, एक सीता जी के मांग में सेनू डल जाना चाहिए, सारे मंत्र जो उस टाइम तक क्लोज होना चाहिए। तो आप एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, तो देवताओं ने मिलकर के उस मुहूर्त को डिस्टर्ब कर दिया। और वो मुहूर्त से अगर वो देवताओं ने प्लानिंग कर डाला कि आखिर अगर श्री रामचंद्र का शादी मुहूर्त में हो जाएगा तो यह हमारा समाज का क्या होगा, हमारा राष्ट्र का क्या होगा, देश का क्या होगा, ऐसा प्लानिंग कर करके श्री रामचंद्र के जो शादी का जो मुहूर्त रहता है उसे डिस्टर्ब कर देते हैं, और शादी करने में काफी लेट हो जाती है। तो उसका परिणाम क्या होता है, जैसे शादी होते ही श्री रामचंद्र का जो जिंदगी है एक जगह नहीं रह पाते हैं। जैसे राज्याभिषेक होता है तो प्लानिंग है कल होने का, तो आज ही सब कुछ हो जाता है। मंत्रा रूपी और कह रूपे के दिमाग में ऐसा शनि ग्रह बैठता है और डिस्ट्रॉय होकर के दूसरे दिन श्री राम वनवास हो जाते हैं और सीता जी भी वनवास चली जाती है। दोनों का जिंदगी कष्ट में गुजरता है, क्योंकि अगर उस मुहूर्त में जल्दी से अगर शादी कर दिया गया होता तो उन दोनों का जिंदगी जो सुकून में चलती थी। इसलिए हमारे जो भी धर्म है उसमें बताया गया है कि शादी जो है कौन सा मुहूर्त में करना चाहिए, कौन सा समय सही है उस मुहूर्त में। लोग आजकल समाज में इतने क्या होता, 10 मिनट लेट हो जाएगा तो आधे घंटे लेट होगा तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसा करते करते हम टाइम को नहीं मेंटेन करते हैं तो हमारा जिंदगी तबाह हो जाती है। जैसे श्री रामचंद्र और सीता जी का जिंदगी जो तबाह हो गया, शादीशुदा भी जिंदगी में कभी पत्नी का ना वो सुख मिला ना उनको पति का सुख मिला। पुरुषोत्तम भगवान की बात करते हैं तो आप कौन सी मामूली आदमी हो, आप चीटी मकोड़े की तरह हो। दूसरी जो बात बोलूंगा, इसमें भी देर नहीं करना चाहिए। जैसे लड़कियां एक घर की अमानत होती है, एक इज्जत होती है, उसको समय पर जल्दी से शादी कर देना चाहिए। जितना लेट करोगे आपके लिए अहित ही साबित होगा, समाज की नजर में गिरते जाओगे। जिसे पानी का बुलबुला होता है, कब उठेगा कब फूट जाएगा, उसी तरह से लड़कियों का भी लाइफ होता है। एक 18 ईयर्स के बाद
इमीडिएटली उनकी शादी किसी अच्छे लड़के साथ साथ निपटा देना चाहिए। आज हमारा समाज बहुत एडवांस हो चुका है, 30-30 साल के बाद शादी कर रहा है, तो हमारे लिए गलत है, क्योंकि 18 साल के बाद जो जिस तरह से पानी में फ्लड आता है, उसी तरह से हमारा न्यू जनरेशन का एक फ्लड आता है, उसका रास्ता भटक सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कि बड़े बुजुर्गों ने बोला है कि ये तीन काम जल्दी ही निपटा देना चाहिए। तो दूसरे में आता है लड़कियों की शादी, अब जल्दी से निपटा देना चाहिए, चाहे आपकी लड़की हो या हमारी लड़की हो, समय रहते हुए उसका शादी, उसका संसार को एक अच्छा लड़का देके बसा देना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट बोलूंगा कि इसमें भी आपको थोड़ा भी देर नहीं करना चाहिए, थोड़ा भी एक मिनट का भी देर नहीं करना चाहिए। जैसे किसी का आपके पड़ोस में आपके घर में किसी का डेथ हो जाता है, तो शव को ज्यादा देर तक रोकना आपके लिए अच्छा नहीं होता है। जितना जल्दी हो सके शव को निपटा देना चाहिए या दाह संस्कार कर देना चाहिए। हम रिलेटिव का इंतजार करते हैं, उसको मिलने के 24 घंटे 10 घंटे 12 घंटे उसको आइस में रखते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो बड़े बुजुर्ग ने जो बोले हैं वो हमको फॉलो करना चाहिए, वो लोग का एक्सपीरियंस बोलता है। जैसे हम बोलते हैं कि 1+1=2, किसी ने तो प्रूफ किया है, तो किसी के बोले हुए, किसी के कहे हुए शब्दों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए आज समाज में इतना करप्शन बढ़ रहा है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्योंकि कोई भी फॉलोअर नहीं है, कोई भी फॉलो करने वाला इंसान नहीं है, एक दूसरे का अनुसरण नहीं करता है। बाप बोलता है कुछ और, बेटा करता है कुछ और, माँ बोलती है कुछ और, बेटी करती है कुछ और। तो ये तीन चीज़ याद रखिए। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।